नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतीय स्वदेशी चिकित्सा में। दोस्तों, हम अपनी प्रेरणा के स्रोत मानते हैं राजीव दीक्षित जी को, और हम आयुर्वेद के जितने भी तरीकों को फॉलो करते हैं उनमें से बहुत सारे तरीके राजीव दीक्षित जी द्वारा बताए गए हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज की वीडियो में मेल्स के लिए शेविंग के बाद चेहरे पर कौन सी चीजों को लगा सकते हैं जिससे स्किन स्मूथ और ग्लोइंग बने। रेगुलर शेविंग करने वालों को क्लोज शेव के बाद अक्सर स्किन पर जलन, कटने छिलने या फिर ड्राइनेस की परेशानी हो जाती है। बाजार में मिलने वाले अधिकांश आफ्टर शेव लोशंस में अल्कोहल होता है, जिसे ज्यादा इस्तेमाल करने पर स्किन ड्राई और रफ हो सकती है, या फिर इनसे कोई और साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। शेविंग के बाद अगर कुछ नेचुरल चीजें फेस पर अप्लाई की जाएं तो स्किन काफी स्मूथ और ग्लोइंग हो सकती है, और आफ्टर शेव लोशन के साइड इफेक्ट से भी बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में शेविंग के बाद कौन सी ऐसी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि मेल्स अपनी स्किन को रफ और ड्राई होने से बचा सके। तो दोस्तों, पहली चीज है ठंडा दूध। एक कॉटन में ठंडा दूध लेकर फेस पर लगाएं, थोड़ी देर बाद धो लें। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है, स्किन को जलन से राहत दिलाकर स्मूथ बनाता है। तो दोस्तों, ये थी पहली चीज ठंडा दूध। आइए जानते हैं दूसरी चीज, जो कि है कच्चा आलू। कच्चे आलू का रस स्किन पर लगाएं या आलू की स्लाइस में छेद करके उसे चेहरे पर मलें। आलू के रस में फास्फोरस, पोटेशियम जैसे मिनरल्स होते हैं, ये स्किन में होने वाले रैशेज और जलन को दूर करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं तीसरी चीज, जो कि है काली चाय। दोस्तों, काली चाय को ठंडा करने के बाद स्किन पर अप्लाई करना है। ठंडी काली चाय को स्किन पर कॉटन से लगाएं या टी बैग को भिगोकर चेहरे पर मसाज करें। इसमें मौजूद टैनिक एसिड स्किन को जलन और लाल पड़ने से बचाता है, स्किन की खुजली और इरिटेशन को भी दूर करता है। दोस्तों, चौथी चीज है हल्दी का पानी। एक कप पानी में आधा चम्मच हल्दी घोलकर कॉटन की सहायता से फेस पर लगाएं। यह एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। शेविंग के बाद छिलने और जलन में राहत मिलती है, स्किन का ग्लो भी बढ़ता है। पांचवी चीज है शहद। चेहरे पर हल्के हाथों से शहद की मसाज करें, थोड़ी देर बाद गुनगुने पानी से धो लें। शहद एक एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, ये स्किन को स्मूथ और शाइनी बना देता है। छठी चीज है केला। केले को मैश करके चेहरे पर मसाज करें, 10 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। केले में मौजूद मिनरल्स स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाते हैं, शेविंग के बाद की रफनेस और ड्राइनेस इससे बहुत अच्छे से दूर हो जाती है। दोस्तों, सातवीं चीज है पपीता। पपीते को मैश करके हल्के हाथों से चेहरे पर लगाएं, 10 मिनट बाद इसे धो लें। इसमें मौजूद एंजाइम्स रैशेज और जलन को दूर करते हैं, डेड सेल्स को हटाते हैं और स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं। आठवीं चीज है एप्पल साइडर विनेगर। एक कटोरी पानी में एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालकर चेहरे पर लगाएं। इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रेजर बर्न और खुजली से राहत दिलाती है। इसमें मौजूद एसिडिक एसिड इन्फेक्शन से भी बचाता है। दोस्तों, नौवीं चीज है बेकिंग सोडा। एक कप पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा घोलकर कॉटन से स्किन पर लगाएं। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जलन और रेडनेस को दूर करके स्किन को स्मूथ और क्लियर बनाता है। और दोस्तों, दसवीं चीज है खीरा। फ्रिज में रखी हुई खीरे की स्लाइस को चेहरे पर मलें या फिर खीरे का पेस्ट लगाएं। इसमें मौजूद विटामिन सी और विटामिन के जलन और दर्द को दूर करता है, स्किन
हाइड्रेट होती है और सॉफ्ट और स्मूथ बनती है। तो दोस्तों ये 10 तरीके थे चेहरे को स्मूथ और रफनेस को दूर करने के लिए। दोस्तों आयुर्वेद के फॉर्मूले थोड़ा वक्त जरूर मांगते हैं, पर ये बहुत ही कारगर होते हैं और ये हमें हर तरह के साइड इफेक्ट से बचाते हैं। तो आशा करते हैं आप इनमें से कोई एक फॉर्मूला जरूर अपनाएंगे और शेव के बाद की जो जलन होती है, जो ड्राइनेस आ जाती है, उसको जरूर दूर करेंगे इनमें से किसी एक फॉर्मूले को अपना के। दोस्तों हमारी कोशिश है कि हम आपको अच्छे अच्छे तरीके बताएं आयुर्वेद के, जिससे कि आप अपने जीवन में हेल्दी रह सकें आयुर्वेद को अपना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ किसी और समस्या का समाधान ढूंढते हुए। नमस्कार दोस्तों।